हे गाइस, मिस्टर प्लॉटन हियर। जैसा कि आपको पता कि राउंड टू हेल के वसीम अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उनके एक वीडियो पे जिसका नाम था स्कूल लाइफ पार्ट टू, और ये करीब 4 साल पुराना वीडियो था। खैर, इस मुद्दे पर बदमाश आइकन और स्वेगर शर्मा ने क्या रिएक्ट किया वो भी हम आपको आगे बताएंगे। पहले तो देखते हैं कि वसीम अहमद इस बारे में क्या कहते हैं। मैं वसीम अहमद, राउंड टू हेल यूट्यूब चैनल से। हमने 4 साल पहले एक वीडियो बनाया था स्कूल लाइफ टू, जिसमें राधा जी का नाम गलत शब्दों में यूज़ किया गया था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और भविष्य में ऐसी कोई गलती हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। और जितने भी लोगों का इस बात से दिल दुखा है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और मेरी पूरी टीम इस बात के लिए क्षमा चाहती है। और आगे फ्यूचर में कभी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये चीज़ नहीं मिलेगी। धन्यवाद। खैर, ये जो वीडियो है इस पर करीब 9.6 करोड़ ऑलरेडी व्यूज़ आ चुके हैं और ये करीब 4 साल पुराना है। इस वीडियो का नाम है स्कूल लाइफ पार्ट टू, जिसे आप राउंड टू हेल चैनल पे देख सकते हैं। खैर, हम आपको ये दिखाते हैं कि वो कौन सी क्लिप है जिस वीडियो की वजह से आज 4 साल बाद इतना बवाल उठ चुका है। देखिए ये वीडियो। टेंशन? तो मोहन इज डूइंग ए गुड वर्क, इसका हिंदी में मतलब हुआ मोहन अच्छा काम कर रहा है। तो तुम बताओ, राधा इज डूइंग ए गुड वर्क, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके तू बता भाई, तू बताओ। मोहन इज डूइंग अ गुड वर्क, मोहन काम कर रही है, मोहन काम पे लग गया ना जी। अरे और 3000 रुपए महीना कमा रही है, हम भी जाएंगे फैक्ट्री। राधा क्या कर रही है इंग्लिश में? सर राधा तो छिनाला कर रही है, पूछ ले इससे बेटा। मां कसम मैंने खुद देखा सर, जुम्मे रात के बाजार में छेड़ लिया। बेटे तू बाहर को आ जा। ओह नो, राधा छिनाला कर रही है। और क्या सर, बेहिसाब लोंडे छेड़ ली गुप्ता जी के होटल पे, मैं जा रही हूँ, मुझे यूं कर गई जैन, वो तो मैं शरीफ लोंडा। चलिए अब देखते हैं कि स्वेगर शर्मा ने इस बारे में क्या रिएक्ट किया है। स्वेगर शर्मा ने लिखा है कि कोई 4 साल पहले बचपन में किसी वीडियो में कुछ कह दे और आपको अब बुरा लगे तो चलो आप सॉरी बुलवाओ, वीडियो से पार्ट ट्रिम करो, पर ये कैसी पुलिस वाली कार्रवाई? अब 4 साल बाद कौन सी FIR? 4 साल पहले क्या हुआ था आपको? वही उन्होंने एक और स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ लड़के मेहनत करके काम कर रहे हैं, उन्हें करने दो, बीच में टांग ना अड़ाओ। वही इस बारे में बदमाश आइकन ने कुछ रिएक्ट किया एक वीडियो के थ्रू, देखते वो क्या बोलते हैं। मैंने राउंड टू एल की वो क्लिप देखी, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई है, कुछ भी बोला ही नहीं उस बंदे ने, एक राधा वर्ड को थोड़ा सा यूज किया, वो भी कोई अलग इंटेंशन की वजह से नहीं, वैसे ही बोल दिया। ठीक है, अब मेरे फ्रेंड का नाम है शंकर श्रीवास्तव, वो मेरे को गालियां देता रहता है, मैं उसको गालियां देता रहता हूं। अब मैं ये थोड़ा ना कहूं कि भाई वो भगवान है तो मेरे को गालियां दे रहा है, वो इंसान ही है। ठीक है, नाम होते हैं, नाम नॉर्मल होते हैं, हर किसी के नाम को भगवान के साथ जोड़कर मत देखा करो। ठीक है, और ये जो धर्म धर्म के ठेकेदार बैठे, क्या इनका दिमाग खराब हुआ पड़ा सालों का।